गाइस आज मैं लेकर आया हूँ इजी टू लर्न कैसे आप किसी का माइंड को रीड कर सकते हैं एनीवेयर। आपको इसके लिए चाहिए एक पेपर और चाहिए एक पेन जिससे आप किसी का भी माइंड रीड कर सकते हैं। इसमें एक नहीं दो नहीं तीन तीन इंसान के माइंड में क्या चल रहा है उसके बारे में आप सोच के बता सकते हैं। चाहे वो किसी दोस्त का नाम सोचे या किसी देश का नाम सोचे या सोचे कोई भी नंबर, वर्ल्ड में किसी भी चीज के बारे में अगर वो सोचता है तो उसका प्रेडिक्शन करके आप पहले से ही रख सकते हैं। सोचिए पहले ऑडियंस ने किसी भी नाम के बारे में सोचा, वो दोस्त का नाम हो सकता है या किसी का भी नाम हो सकता है, और फिर आप उसका माइंड पढ़ के आप पहले से प्रेडिक्ट करके उनके हाथ में दे भी सकते हैं कि आपने ये सोचा है। क्या नाम सोचे थे आप कैमरे के सामने बता सकते हैं ताकि लोगों को पता चल जाए? राहुल। और फिर दूसरे बंदे को आप कोई भी नंबर के बारे में, कोई फूल के बारे में, कुछ भी चीज आपको जो अच्छा लगे उसके बारे में आप सोचने के लिए उनको बता सकते हैं कि आप इसके बारे में सोचिए और कोई भी एक नाम आपके माइंड में सोच लीजिए। ओके, आई थिंक मैंने प्रेडिक्ट कर लिया है आपका नंबर। गुड। ओके, तो मैंने यहाँ पर एक नंबर प्रेडिक्ट कर लिया है और यहाँ पर मैं दूसरा प्रेडिक्शन दिखा देता हूँ आपको। तो ये है मेरा दूसरा प्रेडिक्शन जो आपके लिए है, आप हाथ को ऑफ कर लीजिए। तो आप दर्शकों को बता दीजिए आपने कौन सा नंबर सोचा था। 25। तीसरे बंदे को भी सेम टू सेम आप किसी भी कार्ड के बारे में या किसी भी चीज के बारे में बता सकते हैं और वो उस चीज के बारे में जब सोचता है तो आप हर टाइम सेम टू सेम चीज करते हैं, वो है आप पेपर में लिख के उनके हाथ में पहले ही दे देते हैं कि आप इसके बारे में सोच रहे हैं। तो एक नंबर, दो नंबर और तीन नंबर जो भी सोचता है उनके हाथ में आप पहले से प्रेडिक्शन दे देते हैं। अब पहली बार आप कैमरे के सामने बताएंगे कि आपने क्या सोचा था। नाइन ऑफ हार्ट्स। राहुल 25, नाइन ऑफ हार्ट्स। और आखिर में जब आप पेपर को ओपन करके देखते हो तो एक नंबर पे उसने जो नाम सोचा वो लिखा आपको देखने को मिल जाते हैं, दूसरे में जो भी नंबर उसने सोचा है वो नंबर प्रेडिक्शन में आ जाता है, तीसरा बंदा जो भी सोचता है वो भी प्रेडिक्शन में आ जाता है। इजी टू लर्न, आप इजीली कहीं पर भी कभी भी कर सकते हो इस मैजिक को अगर आपके पास पेन और पेपर हो तो। और अगर आपको ये कोर्स बाय करना है तो लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाकर आप इस कोर्स को बाय कर सकते हो और इजीली बन सकते हो आप भी एक माइंड रीडर।